फ्रेंड्स, पार्टनरशिप यूनिट वन एक्सरसाइज पेज नंबर 8.23 फर्स्ट गिवन थ्रू एंड फोर। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन 6%, कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं, ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट नहीं और लोन पे 6%। रिपीट, प्रॉफिट इक्वली, लोन पे 6%, कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट नहीं। रिपीट फर्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर सेल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इन द रेशियो ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूशन। फर्स्ट एंड फोर्थ में क्या बोला है राधिका, अटेंशन हियर, आपको डीड में कुछ नहीं बोला है। तो एक पार्टनर आके बोलता है आपको, मुझे प्रॉफिट कैपिटल रेशियो में चाहिए, क्यों, मेरा कैपिटल ज्यादा है, मैं निकल यहां से। जब डीड नहीं बोलता है ना, तब प्रॉफिट ऑलवेज इक्वली इज इन फर्स्ट फोर्थ। सेकंड, प्रॉफिट सेइंग रेशियो एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो नीड नॉट बी द सेम। करेक्ट है, कैपिटल आप कम ज्यादा लेके आ सकते हो, प्रॉफिट सेइंग रेशियो आइदर यू डिसाइड, आप डिसाइड करो, और इक्वली। लेकिन प्रॉफिट एंड कैपिटल रेशियो को कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट, थर्ड में बोला हरेक पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड करवाना कंपलसरी है। गलत बात है, आप कभी भी फ्यूचर में पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड करवा सकते हो, फॉर्म रजिस्टर्ड इज नॉट कंपलसरी। नेक्स्ट, एडवांस, पार्टनर कैन एडवांस लोन टू द पार्टनरशिप फॉर्म इन एडिशन टू द कैपिटल कंट्रीब्यूशन। फ्रेंड्स, कैपिटल के उपरांत जब भी जरूरत पड़ती है तब आप लोन लेके आ सकते हो। पार्टनर्स कैन कंट्रीब्यूट द लोन, इसीलिए यह आपको करेक्ट दिया है। फिफ्थ, पार्टनर कैन डिमांड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इवन इफ नॉट प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। डीड में कुछ नहीं बोला है तो आप कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, गलत बात है, आप नहीं दे सकते हैं। फोर्थ, नाउ सिक्स, पार्टनर डज नॉट टेक पार्ट इन द डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी। वो बिजनेस में नहीं जाएगा तो उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं मिलेगा, नहीं, गलत है। बिजनेस में नहीं जाएगा तो भी डीड में बोला है, उसे कंट्रीब्यूशन दिया है तो उसको प्रॉफिट मिल सकता है। सेवन, इंटरेस्ट शुड बी पेड 6% ऑन लोन। डीड में कुछ नहीं बोला है तो 6% इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, करेक्ट। एट, हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में मिलकर पार्टनरशिप नहीं कर सकते हैं, गलत, कर सकते हैं। वन सीनियर पार्टनर इज द प्रिंसिपल, जूनियर इज द एजेंट, ऐसा नहीं है, सब इक्वली है। मेरे एबीसी पार्टनर है, ए काम करेगा तो ए प्रिंसिपल, बी सी एजेंट, बी काम करेगा बी प्रिंसिपल, ए सी एजेंट, हरेक के लिए अपने आप के काम के लिए वो प्रिंसिपल, दूसरे एजेंट और दूसरे के काम के लिए वो प्रिंसिपल और मैं एजेंट। पार्टनर आर द एजेंट ऑफ द फर्म एंड ईच अदर, टू पार्टनर्स है वो एक दूसरे के एजेंट है, दूसरा करके आएगा, सब लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे, इसीलिए वो एजेंट भी है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपका, लेट मी सी। फर्स्ट, इफ पार्टनरशिप फर्म प्रीफर, वो ऐसा पसंद कर रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू बी सोन एट द अमाउंट इंट्रोड्यूस, अंडरलाइन करो सोन, यानी उसमें चेंज नहीं करना है। क्या बोला है, जो इंट्रोड्यूस यानी लेके आए, जो अमाउंट लेके आए ना वही कैपिटल में दिखाना है, वही कैपिटल में दिखाना है। तो सैलरी, इंटरेस्ट, ड्रॉइंग, कैपिटल पे इंटरेस्ट, ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट, वो कहां पे लिखोगे, सी ऑप्शन, करंट अकाउंट। सेकंड, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, कुछ एग्रीमेंट लिखा नहीं था तो पार्टनर्स इंटरेस्ट लोन कितना लेगा, 6%। जब डीड साइलेंट, लोन पे इंटरेस्ट
पर्सन थर्ड में ए है, क्यों? पार्टनरशिप का डेफिनेशन दिया है टू और मोर पर्सन, दो दो से ज्यादा बंदे कैरिंग द बिजनेस, बिजनेस चलाएंगे विथ ए व्यू टू द प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करने के लिए कैरिंग बाय वन और ऑल ऑफ देम, एबीसी तीन थे, ये अकेला काम करेगा और सब साथ में मिलकर काम करेंगे। नेक्स्ट फोर्थ, फर्म हैज ऑन एक्सेप्शनली हाई प्रॉफिट फ्रॉम ए कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी रिन्यू। अभी आपको कुछ काम मिला था, एक्सेप्ट कुछ भी ऐसा काम मिला होगा जहां पे प्रॉफिट मार्जिन बहुत था, कोविड सिचुएशन थी, आपको लेबोरेटरी का काम मिला, आप रिलायंस से जाके सैंपल कलेक्ट करके आओगे यहाँ या लेबोरेटरी को पहुंचाओगे, ऐसा कोई भी टेम्पररी काम मिला जिसमें प्रॉफिट बहुत ज्यादा मिलता था आपको, लेकिन रिन्यू नहीं होने वाला है, कोविड चला गया। तो ऐसी सिचुएशन में गुडविल काम करने के टाइम ये कभी कभी अर्न किया जाता है, टेम्पररी अर्न किया था, एक्सेप्शनली अर्न किया था, वो प्रॉफिट क्या काउंट करोगे? क्या नहीं कर सकते। इसीलिए बोला आपको कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के टाइम वो प्रॉफिट नहीं लेना है, वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, एम में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट बोला था वो करना है, लेकिन गुडविल जब काउंट करोगे ना उसमें आपको नहीं लेना है। लेट मी सी फिफ्थ, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू लोन इंटरेस्ट 6%। सिक्स, पार्टनर्स आर सपोज टू पे इंटरेस्ट ऑन डूइंग, इंटरेस्ट ऑन डूइंग कब पे कर सकते हो? जब प्रोवाइडेड है एग्रीमेंट में तब, जब प्रोवाइडेड है तब कर सकते हो। सेवन, व्हेन पार्टनर इज गिवन ए गारंटी बाय द अदर पार्टनर, कल ही हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, जयदीप है हमारा एम्प्लॉय था, तब जयदीप को है हम 12 लाख दे रहे थे, हम उसको पार्टनर बनाना चाहते हैं, वो दूसरी फर्म उसको खींचना चाहती है, यदि पार्टनर यहाँ पे आ जाओ तो क्या बोलेगा? मेरी सिक्योरिटी का क्या, मैं तो 12 लाख पर ही नमन करना था। नई पार्टनरशिप में बोलूंगी चिंता मत करो, हम पार्टनरशिप हम गारंटी लेते हैं, आपको 12 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा। तो फॉर्म ने गारंटी दी है तो फॉर्म में से डिडक्ट करो। नहीं, कार्तिक का फ्रेंड है, चल मैं साथ आ जा, तेरे बिना मुझे मजा नहीं आ रहा है, तुझे कम मिलेगा मैं दे दूंगा, और अभी मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं तू आ जा मैं दे दूंगा, तो कौन पे करेगा? गारंटेड पार्टनर। ए पॉइंट, पार्टनर हु हैज गिवन द गारंटी। नाउ लेट मी सी प्रैक्टिकल एमसीक्यूस 8, एमसीक्यूस 8, एबीसी 3 में पार्टनर्स जिसका कैपिटल था 50, 40 and 30, वो बिजनेस पार्टनरशिप चलाते थे, फर्म रिपोर्टेड प्रॉफिट फॉर द ईयर 80,000, प्रॉफिट कितना था आपका? 80,000 प्रॉफिट, 80,000 एज पर प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के मुताबिक फाइंड आउट द सेल ऑफ ईच पार्टनर, ईच पार्टनर का सेल ऑफ प्रॉफिट है इन द अबो अमाउंट आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट, आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट नो इंटरेस्ट हैज बीन प्रोवाइडेड ऑन एडवांस 20,000, लोन कितना था? 20,000, और 20,000 पे 6% इंटरेस्ट 1200, कितने लोन दी थी? 10 लोन दी थी। वो डिडक्ट करने के बाद आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, कुछ बोला नहीं है तो इक्वल रेशियो, कुछ बोला नहीं है तो इक्वल रेशियो, 80,000 में से फिर 100 डेज क्या 78,800 डिवाइड 3 क्या 26,666.66, एक और इंटरेस्ट मिला प्लस 26,266, टोटल एक को मिलेगा 27,466, बी एंड सी को डिवाइड 3 डायरेक्ट कर दो 26,267, 26,267, फिर यहाँ पे 7 ग्लास में 0 चाहिए, यहाँ 2 7 लिया है तो यहाँ पे 6 लिया, तभी आपका लास्ट में 0 आ जाएगा। इसीलिए ईसी को 26,267 एंड ए को 27,466 इन एडिशन टू द कैपिटल मिलेगा, कैपिटल तो उसकी है ही है लेकिन प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट दोनों मिला के एबीसी को इतना अमाउंट मिल पाएगा। 9, एक बार जब पार्टनर थे एट द टाइम ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के टाइम डिस्प्यूट हुआ, प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000 था, एक्स को 20% कैपिटल पे इंटरेस्ट चाहिए क्योंकि उसने 1 लाख
यानी ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, ये सब स्टोरी है। डेट ने बुटने वाला बात खत्म, कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, प्रॉफिट 6000 है वो डायरेक्ट इक्वली दे दो, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 10 XYZ पार्टनर्स है, एट द टाइम ऑफ डिविजन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर देयर वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर्स, प्रॉफिट बिफोर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6000, वाई determined interest 24% on the loan 80,000, there was no agreement on this point. इसी चीज है, सिर्फ लैंग्वेज समझने का ट्राई करो। उसने लोन दिया है 80,000, उसमें 24% इंटरेस्ट मांग रहा है, क्या मांग सकता है? कितना हम दे सकते हैं? 6%। 80,000 पे 6% और इंटरेस्ट और लोन दिया है, वो एक डबल जीरो। प्रॉफिट कितना था? 6,000 माइनस बचा कितना? 1,200 कुछ नहीं देते हैं तो प्रॉफिट इक्वली, बोला है तो इक्वली, कुछ नहीं बोला है तो इक्वली। 1200 / 3 यानी प्रॉफिट कितना हुआ? 400। सी वाई को इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा 4800, ये हो जाएगा 5200। 5200 एक्स एंड जेड 400, वाई होगा 5200। 11 MCQs. XYZ partner in a firm at the time of division of profit for the year, there was dispute between the partner. Profit before interest on partner is 6,000. Z demanded minimum profit 5,000 because his financial position was not good. उसकी financial position अच्छी नहीं, वो उसका question है। नहीं नहीं, मेरी financial position अच्छी नहीं है, मुझे profit ज़्यादा दो। ऐसा बोल सकते हैं क्या? However, there is no written agreement. Written agreement कुछ नहीं है। तो 6,000 X Y Z को equally मिलेगा। The answer X Y Z को 2,200 pay करना है। Friends, now एक से ज़्यादा question है। Question one है, थोड़ा tough question है। Initial level पे आपको foundation में अच्छे adjustment दे दिए हैं। जिसने rectification of the error chapter किया है ना, उसके लिए easy है। जिसका रेक्टिफिकेशन बाकी है उसने 11, 12 में तो रेक्टिफिकेशन किया है ना। रेक्टिफिकेशन एरर में क्या होता है? जो गलत किया उसको उल्टा करो, जो नहीं किया है वो कर दो। जो अकाउंट को गलत डेबिट किया उसको क्रेडिट करो, गलत क्रेडिट किया उसको डेबिट करो। जो अकाउंट डेबिट करना भूल गए उसको डेबिट करो, क्रेडिट करना भूल गए उसको क्रेडिट करो। जो गलत किया है वो उल्टा करो, जो नहीं किया है वो कर डालो। Read the questions के adjustment directly, पहले adjustment समझेंगे तो question easy रहेगा। मैं हमेशा student को बोलता हूँ, question पढ़ना है तो golden period का message जैसे पढ़ते हैं fiance and fiancee, उस तरीके से आराम से एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार message नहीं, question पढ़ना है। Read the adjustment. First, life insurance premium of the week amounting to 750. Life insurance का premium है 750 है. Paid by the firm, underline paid by the firm, personal account में से pay किया होता तो कहाँ दिक्कत थी? तो firm में कहीं record ही नहीं करना था. Paid by the firm, कब pay किया? On 30 June. Has been charged to business expenditure account. अपना पर्सनल एक्सपेंडिचर डीवीएस ने, पार्टनर ने पेमेंट किया, कहां से किया? फर्म के ऑनलाइन अकाउंट में से किया, तो वो पर्सनल एक्सपेंस ड्रॉइंग्स में जाएगा। पार्टनर अपने बच्चों का स्कूल फीस, अपना डोमेस्टिक एक्सपेंस, कुछ भी फर्म में से पे करेगा वो सब ड्रॉइंग्स में जाएगा। तो LIC पे किया है, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना? 750। गलत क्या हुआ? रॉन्ग, उसने मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में चार्ज किया, एंट्री क्या होगी? मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट 750। देखो केस को क्रेडिट, केस को क्रेडिट, क्रेडिट तो सही किया है, तो सही किया है भूल जाओ,
गलत क्या है उसको उल्टा करो, गलत क्या क्या है, मिसेलेनियस एक्सपेंडिचर, उसको क्या किया, डेबिट। कलेक्शन में क्या करोगे उसको, क्रेडिट। मिसेलेनियस एक्सपेंडिचर यानी पीएनएल, मिसेलेनियस एक्सपेंडिचर यानी पीएनएल को क्रेडिट करेंगे, ड्रॉइंग्स को डेबिट। उल्टा एंट्री हुआ है आपका, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, और एक्टिफिकेशन नहीं किया है वो कर डालो, नहीं किया है वो कर डालो। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट नहीं किया है तो ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट कर दो। मिसेलेनियस को रॉन्ग डेबिट किया है तो उसको क्रेडिट करो, ड्रॉइंग्स डेबिट नहीं किया तो ड्रॉइंग्स डेबिट। मिसेलेनियस को रॉन्गली डेबिट किया, मिसेलेनियस क्रेडिट। मिसेलेनियस यानी पीएनएल, इतना प्रॉफिट इंक्रीज होगा, इतना प्रॉफिट बढ़ जाएगा। सेकंड पढ़िए, रिपेयर ऑफ मशीनरी अमाउंटिंग टू 10,000, रिपेयर्स है, एंट्री क्या होगी, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट, रिपेयर्स यानी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट इज 10,000। रिपेयर्स था, किया क्या है लोगों ने, हैज बीन डेबिटेड टू प्लांट अकाउंट, करना क्या था, रिपेयर्स टू कैश, पीएनएल टू कैश, और क्या दिया, डेबिटेड टू प्लांट अकाउंट, प्लांट अकाउंट को डेबिट कर दिया। अरे प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश, आगे भी बताया आपको, पढ़ो, एंड डेप्रिसिएशन दे ऑन चार्ज्ड 20%, ये प्लांट पे डेप चार्ज करना है 10,000 का 20%, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट 2,000, 10,000 का 20%, 10,000 का बोला है, डेप चार्ज 20% दे दो, इट विल बी 2,000, डेप्रिसिएशन टू प्लांट अकाउंट, डेप्रिसिएशन कहां जाता है, पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तभी ये दो कंबाइन एंट्री पास करो, कंबाइन एंट्री पास करना है, कंबाइन में क्या है, प्लांट डेबिट, प्लांट क्रेडिट ज्यादा क्या है, डेबिट ज्यादा है, तो प्लांट यहाँ पे डेबिट कितना होगा 8,000, प्लांट डेबिट कितना होगा 8,000, 10 डेबिट था 2 क्रेडिट था, नेट 8,000 डेबिट, पीएनएल यानी डेप्रिसिएशन डेबिट नहीं है वो डेबिट कर दिया, टू कैश 10,000, ये दोनों की कंबाइन एंट्री आई, प्लांट डेबिट 8, पीएनएल डेबिट 2, टू कैश 10,000। अभी कंपेरिजन करना है इस एंट्री का एंड इस एंट्री का, दोनों का कंपेरिजन करना है, दिस एंड दिस, देखो कैश तो 10,000 दोनों में है, पीएनएल यहाँ पे डेबिट 10 है, यहाँ पे पीएनएल डेबिट 2 है, कितना डेबिट कम हुआ है, ये करेक्ट एंट्री है, करेक्ट एंट्री में डेबिट 10,000, करेक्ट में डेबिट 10,000, रॉन्ग में डेबिट 2,000, 8,000 कम हुआ, पीएनएल डेबिट 8,000, पीएनएल डेबिट 8,000, एंड रॉन्ग एंट्री में प्लांट डेबिट है तो उसको क्रेडिट कर दो, रॉन्ग है उसको उल्टा करो, रॉन्ग है उसको उल्टा करो, तो पीएनएल टू प्लांट एक बार रिपीट करो, प्लांट यहाँ पे 10 डेबिट टू क्रेडिट, नेट पे कितने की आई 8,000 की, तो प्लांट रॉन्ग ही डेबिट 8 हुआ है, तो प्लांट को क्रेडिट किया, रिपेयर 10,000 नहीं लिखे लेकिन डेप्रिसिएशन 2,000 तो लिखा है ना, डिफरेंस तो 8 ही आया ना, तो 8,000 का रिपेयर लिखने का बाकी है, 8,000 का रिपेयर लिखने का बाकी है, तो पीएनएल यानी रिपेयर नहीं लिखा तो इसमें लिख दो पीएनएल टू प्लांट 8,000। फ्रेंड्स सी हियर, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ 3,000 ऑफ द एबल फॉर ए प्लेजर ट्रिप, एंजॉयमेंट के लिए गए, बिजनेस के लिए नहीं गए, ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफिस के लिए भी होता है, ऑफिस होता है तो ऑफिस एक्सपेंस में आता है, क्या ऑफिस के लिए नहीं है, पेड बाय द फर्म, आप पर्सनल एक्सपेंस, दोनों घूमने गए थे यूके 3,000 में, और ऑन होगा कोई पास का गार्डन यूके के नाम पर, ऑन 13 जून 2019 हैज बीन डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट, देखो ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंस हम पीएनएल में डेबिट कर सकते हैं, एक्सपेंस में ले जा सकते हैं,
ये आपका बिजनेस रिलेटेड नहीं है, पर्सनल एक्सपेंस है, कलेक्ट एंट्री होगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उन लोगों ने रॉन्ग एंट्री की, रॉन्ग एंट्री क्या की, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नाउ रेक्टिफिकेशन क्या करना है, नहीं किया है वो कर डालो, ड्रॉइंग डेबिट नहीं किया तो ड्रॉइंग को डेबिट कर दो, ट्रैवलिंग एक्सपेंस रॉन्गली डेबिट किया है तो उसको क्रेडिट कर दो ट्रैवलिंग एक्सपेंस, यानी यहाँ पे पीएनएल। अब वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट नंबर वन, करेक्टेड प्रॉफिट फाइंड करो, एडजस्टेड प्रॉफिट फाइंड करो। अब क्वेश्चन में देखो, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग गिवन 60,000। तो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट भी हम बना सकते हैं, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट भी हम बना सकते हैं। 60,000 यहाँ पे आ गया। अभी ये थर्ड एंट्री में पीएनएल क्रेडिट करना है 3,000, फर्स्ट एंट्री में वही था ड्रॉइंग टू मिस एक्सपेंस, ड्रॉइंग टू मिस एक्सपेंस, तो ये भी क्रेडिट करना है। सेकंड एंट्री में क्या था, रिपेयर्स टू प्लांट, रिपेयर्स टू प्लांट, तो पीएनएल टू प्लांट तो डेबिट करना है। तो नेट इफेक्ट आई 55,750। लेट मी सी, आप क्या करोगे, सबसे पहले फर्स्ट एंट्री का इफेक्ट है ड्रॉइंग टू मिस एक्सपेंस, प्रॉफिट इंक्रीज होगा। सेकंड रिपेयर्स टू प्लांट, प्रॉफिट डिक्रीज होगा। थर्ड ड्रॉइंग टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ड्रॉइंग टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस, आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा, क्रेडिट हो रहा है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में 55,750 प्रॉफिट जाएगा, बाद में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग दे पाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे सेकंड वर्किंग नोट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का कंसेप्ट, याद करो अगले लेक्चर हमने किया था, ड्रॉइंग्स का डेट नहीं दिया है तो 6 महीने का इंटरेस्ट लेना है। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 दिया हुआ है, 8% पर एनम है, उसका मतलब ऐसा नहीं कि पूरे ड्रॉइंग से पूरे साल का इंटरेस्ट दे दो, वो दोनों सेपरेट चीज है, वो परसेंटेज के लिए दिया है कि 8% पर एनम, 1 महीने के लिए 1 महीने का लो, 2 महीने के लिए 2 महीने का, तो जितने पीरियड का ड्रॉइंग से उतने महीने का लो, 8% पर एनम। यहाँ पे आपको ड्रॉइंग दिया हुआ है, पढ़ो 15, 10 and 10। आपने रेक्टिफिकेशन एंट्री पास की थी, फर्स्ट एंट्री में ड्रॉइंग डेबिट किया था LIC का 750 का, वो पहले वीक का था, यहाँ पे एड किया 15,750। बाद में यहाँ पे प्लेजर ट्रिप थी आपकी, वो ड्रॉइंग टू पीएनएल आपने किया था, तो आपका 3,000 यहाँ पे एड हो जाएगा, तो हो जाएगा 13,000, हो जाएगा 13,000। यहाँ पे वैभव भी कितना आएगा, 10,000। आपको 8% 6 महीने इंटरेस्ट काउंट करना है, जो डेट ऑफ ड्रॉइंग नहीं दिया है, डेट ऑफ ड्रॉइंग जब नहीं देते तो 6 महीने का इंटरेस्ट पे करना है, तो 15,750% 6 महीने। सेम वे यहाँ पे भी 13,000% 6 महीने। सेम वे यहाँ पे भी 10,000% 6 महीने। ये हुआ आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। फ्रेंड्स सेकंड बेंच वी केबल लेती आई इन द पार्टनरशिप, एक प्रॉफिट लॉस 211 हमने पढ़ा था, 1:3 रेशियो है 211, इसलिए सेल ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे हमने 2:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया था। एग्रीड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड 10%। देखो यहाँ पे आपको दिया है 75,000, 40,000 एंड 30,000, तो यहाँ पे 10% करोगे, 10% 7500, 4000 एंड 3000 पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू कैपिटल, पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू कैपिटल, यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 8% पर एनम, नो इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन करंट अकाउंट। आपने प्रीवियस वर्किंग नोट में 8% 6 महीने का ड्रॉइंग का इंटरेस्ट फाइंड किया था, ड्रॉइंग का इंटरेस्ट है वो फॉर्म की इनकम है और पार्टनर्स का एक्सपेंस है। यहाँ पे जहाँ पे कैपिटल लिखोगे वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, जहाँ पे ड्रॉइंग लिखोगे वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आएगा। तो हमने ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फाइंड किया हुआ है प्रीवियस वर्किंग नोट में 630, 520 and 400। कैपिटल टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन।
कैपिटल दिया हुआ है आपको, अपने अकाउंट नहीं बनाया इसलिए जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन इंटरेस्ट काउंट करने में जरूरत पड़ेगी, इंटरेस्ट काउंट करने में जरूरत पड़ेगी। नाउ आपको बैलेंस लिखना है 10,000, सॉरी करंट अकाउंट लिखना है 10,000, 5,000 क्रेडिट है एंड एल का 5,000 डेबिट है, करंट दो का क्रेडिट है एक का डेबिट है। पर ड्रॉइंग अकाउंट है आपका 15,000, 10,000 एंड 10,000, ड्रॉइंग कैपिटल में डेबिट आएगा। हमने जो रेक्टिफिकेशन एंट्री पास की है, फर्स्ट एंट्री देखो, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू मिस एक्सपेंस, तो ड्रॉइंग यहाँ पे डेबिट हुआ। सेकंड एंट्री, थर्ड एंट्री देखो, थर्ड एंट्री पहले, थर्ड एंट्री में हमने क्या लिखा है, ड्रॉइंग टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो ये केबल का था, LIC वीक का था, ट्रैवलिंग केबल का था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ गया। नाउ लेट मी सी, यहाँ पे क्लोज टू अकाउंट, ये वर्किंग और वन में से एडजस्टेड प्रॉफिट, ये टोटल, ये बैलेंसिंग फिगर 211 में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो यहाँ पे आपने प्रॉफिट लास्ट। और बैलेंस फाइंड करना है आपको एल का डेबिट बैलेंस, एल का जो साइड ज्यादा है वो बैलेंस होता है, जो साइड ज्यादा है वो बैलेंस होता है, एल का डेबिट बैलेंस, डब्ल्यू एन ए का क्रेडिट बैलेंस आएगा। फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच, बने रहे मेरे साथ, मटेरियल लेके सामने बैठ, लेक्चर पहले से सुनिए, क्लास में भी बीच में बैठ तो समझ में नहीं आता है, तो फर्स्ट लेक्चर से सुनोगे तो ही कंसेप्ट क्लियर होगा। हर एक टॉपिक की डिटेल वीडियो भेजते रहेंगे, सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस चैनल, थैंक यू वेरी मच।